हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू डॉग पॉइंट माय नेम इज़ पूजा एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट सो जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको मेल और फीमेल डॉग के डिफरेंसेस के बारे में बताया है वैसे ही आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है फीमेल डॉग्स के हीट साइकिल के बारे में मतलब पीरियड्स के बारे में सो so, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड uh, है भी तो आधी अधूरी है तो आज मैं सारे सिम्टम्स उनकी टेक केयर सब बताऊंगी तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप अपने डॉग को उन दिनों में बेटर फील करवा सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं आपको नया कुत्ता लेना है तो भी आपके लिए ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए ओके सो so, शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेशन सो so बेसिकली जब हीट साइकिल चालू होती है एक डॉग के लिए वो होती है उनके छः महीने से दो साल के बीच में डिपेंडिंग ऑन उनकी ब्रीड कैसी है तो उस हिसाब से उनके हारमोन्स कितने जल्दी डेवलप होंगे वो होता है अगर टॉय ब्रीड है तो उनकी चार महीने के बाद ही चालू हो जाती है अगर आपकी लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज ब्रीड है डॉग तो उस हिसाब से आपको जाएगा डेढ़ साल या दो साल के बीच में उनके पीरियड्स चालू हो जाएंगे अगर आप मीडियम साइज़ का आपका ब्रीड है कोई भी जैसे दाशन हो बीघल हो तो उनका एक या डेढ़ साल के बाद उनके पीरियड्स चालू हो ही जाते हैं जैसे मैंने कहा है छः महीने में एक बार इनके पीरियड्स होते हैं जो होंगे पंद्रह या बीस दिन के आ, बीस दिन के ड्यूरेशन के लिए एंड ज़्यादा ब्लीडिंग होती नहीं है इनकी जितनी भी होती है फीमेल डॉग्स इतने मच्योर हैं कि वो अपने आप को और अगर उनकी ब्लीडिंग कहीं हो ये है आपके घर पे आपके फ्लोर पे तो वो खुद क्लीन करते हैं इस चीज़ को इतनी मच्योरिटी उनमें होती है लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है एंड आपको स्टेन आ रहे हैं आपके घर में तो डेफिनेटली आप उनको डॉग डाइपर ले सकते हो आपको ये इजीली एमेजन पे मिल जाएगा आप किसी भी अच्छे पेट स्टोर में चले जाओगे तो आपको डॉग डाइपर्स मिल जाएंगे अब uh, नए डाइपर नए टाइप के यूज़ रीयूजेबल डाइपर्स भी आए हैं स्पेसिफिकली फॉर पीरियड्स डॉक के अगर आप किसी बड़े पेट स्टोर में जाओगे तो आप उनको बता सकते हो हीट साइकिल के लिए एक डिफरेंट आता है जो रीयूज़ हो सकता है ताकि आपको वो एक्सपेंस ना पड़े बार बार सो डेफिनेटली प्लीज़ सर्च दैट अगर आपको चाहिए अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आपकी फ़ीमेल uh, डॉग आपकी बिच जब हीट पे जाने वाली होगी तो उसके सिम्टम्स आपको थोड़े दिन पहले ही दिखना चालू हो जाएंगे उसके मूड स्विंग्स चालू हो जाएंगे वो पजेसिव हो जाते हैं अग्रेसिव हो जाते हैं एंड बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं कभी कभी दे डोंट वॉन्ट कि उनके पास कोई आए स्पेसिफिकली मेल डॉग्स वो नहीं जाते उनके पास आए जब उनके पीरियड्स चालू होने वाले होते हैं Uh, आप उनकी टेल देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है अपने आप में रहती है कुछ कुछ फ़ीमेल डॉग्स हैं जो खाना छोड़ देती है एंड कुछ ऐसे हैं जो एग्जेसिव खाते हैं तो उनकी एपेटाइट चेंज हो जाती है पूरी तरीके से जो नॉर्मल एपेटाइट होगी उसके कंपैरेटिवली एंड एक बार जब उनके पीरियड्स चालू हो जाते हैं उसके बाद दे आर ओपन फॉर मीटिंग सो so, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पे है तो प्लीज़ उसको किसी भी ब्रीड के मेल डॉग से दूर रखिए क्योंकि किसी एक मेल डॉग को कोई और फीमेल डॉग हीट पे है ये स्मेल पता चल जाती है चाहे वो एक किलोमीटर दूर क्यों ना हो उनको ये स्मेल आ जाती है एंड अगर उसको ये स्मेल आई मेल डॉग को तो उसको कंट्रोल करना उसका अग्रेशन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो अग्रेशन उनका कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं उनको और कोई चीज़ नहीं दिखती है दे ओनली वॉन्ट टू मेट एंड ऐसे टाइम पे आपकी फ़ीमेल जो जनरली किसी को पास नहीं आने देती होगी वो पीरियड्स के टाइम पे उनके हीट साइकिल के टाइम पे मेल डॉग को मेटिंग के लिए अलाउ करती है अगर आप नहीं चाहते हो कि अननेसेसरी एक्सीडेंट्स हो तो ये चीज़ इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन दोनों मेल डॉग और फीमेल डॉग हीट के टाइम पे साथ ना रहे एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डॉग पॉपुलेशन हो रहा है सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपने आपको आप आपके पास एक ऑप्शन है आप अपने फीमेल डॉग को न्यूटर करा सकते हो न्यूटर कराने का एक और बेनिफिट है अगर आपको लग रहा है कि आपको ये पीरियड्स हैंडल नहीं हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टेन्स आ रहे हैं तो आप उनको न्यूटर करा दीजिए अगर आप उनको न्यूटर करा रहे हो तो उनकी पीरियड्स बंद हो जाएंगे कुछ डॉग्स हैं जिनके न्यूटर कराने के बाद भी पीरियड्स चालू होते हैं तो आप इसके लिए आपके वेट के पास जा सकते हो वो आपको सोल्यूशन बेहतर दे सकते हैं ओके एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर आपकी फीमेल डॉग के वलवा वलवा कहा जाता है जैसे लेडीज के प्राइवेट पार्ट्स को कहा जाता है वजाइना वैसे फीमेल डॉग्स के प्राइवेट पार्ट को कहा जाता है वल्वा तो अगर आपको लग रहा है पीरियड्स के टाइम या पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद ये एनी टाइम ये तीनों टाइम में अगर आपके फीमेल के वल्वा में से पस आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इमीडिएटली बिना कुछ सोचे समझे आप अपने वेट के पास चले जाइए ये जानलेवा हो सकता है उनको बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से होता है ये चीज़ अभी इसका एग्जैक्ट रीजन मैं आपको नहीं बता सकती कि ये क्यों उनका इन्फेक्शन होता है लेकिन आप वेट के पास लेके जाएंगे तो वो आपको बेहतर समझा सकते हैं इसके बारे में सो so ये थी इन्फॉर्मेशन पीरियड्स के बारे में हीट के बारे में जो हर फीमेल डॉग को आएगी जब तक आप उनको न्यूट्रल नहीं कराओगे अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं आपको ऐसे और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ डॉग्स के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई अ गुड डे बाय बाय